हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को चलो यात्रिया यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे गंगा सागर एक्सप्रेस के बारे में, जो कि ये गाड़ी सियालदा जंक्शन से खुलेगी, जयनगर तक जाएगी। सो आज के इस वीडियो के अंदर यही गंगा सागर का फुल एक्सप्लेन करूँगा कि ये गाड़ी आपको कितने बजे मिलेगा सियालदा जंक्शन में, कितने बजे आपको छोड़ेगा जयनगर में, और ये गाड़ी हफ्ते में कौन सा दिन चलेगी, और इस गाड़ी का लाइन रूट कैसा रहेगा। सो सभी चीज़ स्टेप बाय स्टेप जानेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑल पे जरूर दबा देना लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। सो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो है गाइस, तो गाड़ी नंबर है 13185, ये 5:45 शाम को मिलेगा सियालदा जंक्शन में, उतारेगा 8:45 सुबह जयनगर में। और ये गाड़ी रोज़ चलती है गाइस। इस गाड़ी का नाम है गंगा सागर एक्सप्रेस, जो कि ये गाड़ी काफ़ी अच्छा है सियालदा से जयनगर तक जाने के लिए। सो जो गाड़ी मुझे बेस्ट लगता है, जो अच्छा रहता है, उसी गाड़ी का मैं फुल एक्सप्लेन करता हूँ। तो हमारे अनुसार ये गंगा सागर एक्सप्रेस काफ़ी अच्छा है सियालदा से जयनगर तक जाने के लिए, इसीलिए मैं इस गाड़ी का तारीफ़ या एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो बात करें इस गाड़ी का लाइन रूट, तो कुछ इस तरीके से इस गाड़ी का लाइन रूट, जैसे ही ये गाड़ी सियालदा जंक्शन से खुलती है सीधा आ जाता है विधान नगर रोड, नेहाटी जंक्शन, बंडेल जंक्शन, उसके बाद आ जाता है बद्धरमान जंक्शन, दुर्गापुर, रानीगंज, आसानसोल जंक्शन, चित्राजन, उसके बाद आ जाता है जामतारा, फिर आ जाएगा मधुपुर जंक्शन, जसीदी जंक्शन, झांझा, बरौनी जंक्शन, दलसिंह सराय, समस्तीपुर जंक्शन, उसके बाद आ जाएगा हाया घाट, लहरिया सराय, दरभंगा जंक्शन, सकड़ी जंक्शन, मधुबनी, राजनगर, जयनगर। सो कुछ इस तरीके से इस गाड़ी का लाइन रूट है। जितने भी स्टेशन का नाम लिया, सभी स्टेशन से गाड़ी चलती है और सभी स्टेशन में इसका स्टॉपेज भी है। बात करें इस गाड़ी की दूरी की, सियालदा से जयनगर तक जाने के लिए इस गाड़ी का दूरी है 622 किलोमीटर की दूरी, जो कि ये गंगा सागर एक्सप्रेस बहुत ही कम समय में आपको छोड़ देता है, और इसका सफ़र जो है काफ़ी अच्छा रहता है। सो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये गंगा सागर एक्सप्रेस जो सियालदा से चलकर जयनगर तक जाएगी, इसका जो फुल एक्सप्लेन किया, आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ आया। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन कॉल पे जरूर हिट कर दीजिए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। सो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलता है अगले एक न्यू वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।